नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी स्तनों के नीचे होने वाले रैशेज को दूर करने के कुछ घरेलू उपाय दोस्तों अगर शरीर की सही तरीके से देखभाल ना की जाए तो बैक्टीरिया या फंगल इन्फेक्शन होना जाहिर सी बात है स्किन में बैक्टीरिया पनपने में समय नहीं लगता क्या आपको कभी महसूस होता है कि आपके ब्रेस्ट के नीचे रैशेज पड़ गए हैं जिनमें काफ़ी खुजली महसूस होती है के नीचे पड़ना काफी आम समस्या है और यह ज्यादातर पसीने की वजह से होता है इसके अलावा यह मोटापे की वजह से भी होता है अगर स्तनों के नीचे रैशेज की समस्या हो गई है तो उससे छुटकारा पाने के लिए आप कुछ प्राकृतिक उपचार कर सकती हैं। इसके अलावा समस्या बढ़ने पर आप डॉक्टर की सलाह लें विशेष रूप से तब जब संक्रमण के लक्षण दिखाई दें आज हम आपको स्तनों के आसपास होने वाले रैशिज के उपचार के लिए कुछ घरेलू उपाय बताते हैं नंबर एक नारियल तेल एक चम्मच नारियल तेल लें उसे हल्का गर्म करें फिर उसे रूही से प्रभावित जगह पर लगाएं। ऐसा दिन में तीन से चार बार करें नंबर दो एलोवेरा जेल एक चम्मच एलोवेरा जेल में पाँच बूंद ऑलिव ऑयल ओल मिलाएँ फिर इसे रूई की सहायता से प्रभावित जगह पर लगाएँ पंद्रह मिनट के बाद इसे ठंडे पानी से धो लें ऐसा दिन में दो से तीन बार करें नंबर तीन टी ट्री ऑयल टी ट्री ऑयल में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं इसकी पांच बूंद में एक चम्मच ऑलिव ऑयल और आधा चम्मच नारियल तेल मिक्स करके प्रभावित जगह पर मालिश करते हुए लगाएं। आप इसे नहाने के बाद या सोने से पहले लगा सकते हैं त्वचा को इसे पूरी तरह से सोख लेने दें। कभी भी टी ट्री ऑयल को सीधे स्किन पर ना लगाएं। इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है नंबर चार एप्पल साइडर विनेगर एप्पल साइडर विनेगर आधा कप लेकर इसमें एक कप पानी मिलाएं, फिर इसे एक स्प्रे बोतल में भरकर हर पाँच घंटे के बाद रैशिज पर स्प्रे करें इसके अलावा आपको अपने कपड़ों को भी विनेगर के घोल से धोना चाहिए जिससे बैक्टीरिया का खात्मा हो जाए नंबर पाँच बेकिंग सोडा बेकिंग सोडा से डेड स्किन हट जाएगी आपको एक चौथाई कप बेकिंग सोडा में आधा चम्मच सिरका मिलाकर पेस्ट बनाना होगा फिर इसे ब्रेस्ट के प्रभावित एरिया पर लगाएं और आधे घंटे के बाद पानी से धोकर पोंछ लें नंबर छह हल्दी हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं एक चम्मच हल्दी को एक गिलास पानी में मिलाएं। इस घोल को मध्यम आंच पर गर्म करके ठंडा करें और फिर इस घोल से प्रभावित एरिया को दिन में दो बार धोएं। नंबर सात लहसुन लहसुन एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुणों से भरा होता है जो कि रेसिज को दूर करने में मदद करता है थोड़ी सी लहसुन को पीस कर रेसिज पर लगाएं और 15 मिनट के बाद इसे पानी से धो लें तो दोस्तों ये थे कुछ घरेलू उपाय स्तनों के नीचे होने वाले रेशिज के उपचार के आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं हम हाँ आप तक ऐसी ही नई और बेहतरीन जानकारियाँ पहुँचा सकें इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें धन्यवाद